ऐसी चमकी तो सरोज भाभी के कपड़ों पर है और इस बॉटल पर भी जो वीर ने मुझे दी। इसका मतलब वीर ने ही सरोज भाभी को धक्का दिया था और इल्जाम आ गया मेरे सर पर। हम रणधीर को यहाँ पे रोक के रखेंगे, जल्दी से जाओ उसके कमरे से कपड़े लेके आओ। पर उसके कपड़े मुझे आते जाएंगे। आदमी के नाप के कपड़े बनाने का वक्त नहीं था हमारे पास, इसलिए कपड़े के नाप का आदमी ढूंढ के लाए हम। जल्दी से जाओ। रामनवमी के दिन हमेशा हमेशा के लिए अमृत हमारी होगी और हमारा ये प्लान पापा साहब। ये सब क्या है वीर, किस प्लान की बात कर रहे हो? वो रानी मां चुनाव जीतने वाली, तो हमने सोचा कि उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। और आप एक काम कीजिए, आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। डॉक्टर साहब, रानी मां चुनाव जीतने वाली है, वो हम दोनों को ढूंढ रही होगी, कम से कम आप तो पहुंचिए। चलिए चलिए। मैं अपनी योजना के बीच किसी को नहीं आने दे सकता, इसे तो रामनवमी के दिन किसी भी हाल में पूरा होना है। क्या हुआ छोटे भाई? छोटा भाई कहते हो और पीठ पीछे चुरा भोकते हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं वीर के, सरोज भाभी को धक्का तुमने दिया था। बताओ क्या खेल खेल रहे हो तुम? कभी तुम मुझे और अमृत को मिलाने की बात करके तुम अमृत का विश्वास जीतना चाहते हो, तो कभी मेरे बजाय खुद उदय वश्मा की मदद करके उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हो। अरे एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि शायद मैं ही तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा हूँ, पर कल की तुम्हारी हरकत ने मुझे बता दिया कि तुम किस मिट्टी के बने हो। वीर बोलो क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम गलत समझ रहे हो छोटे भाई, ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम दोनों की मदद करना हमारी मजबूरी नहीं है, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम बस अच्छाई के बदले अच्छाई करना चाहते हैं, दैट्स इट। एक लड़की की मदद करना चाहते हैं जिसने एक एक वचन की वजह से अपने प्यार की कुर्बानी देके हमारे साथ रहने को तैयार है, बस बस मदद करना चाहते हैं। और अमृत और हमारे बीच में कभी प्यार का रिश्ता बन ही नहीं सकता, तो हम बस दो प्यार करने वालों को मिलवाना चाहते हैं, अपनी गलतियों का बोझ कम करना। वीर कि तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों से तुम अमृत को बेवकूफ बनाना, लेकिन मैं अमृत नहीं हूं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम अमृत सिर्फ मेरी है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो हमें अलग करने की, लेकिन अमृत सिर्फ मेरी रहेगी। बोलो क्या षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो, नहीं तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। बोलो, मारो हमें, मार दो। तो मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा तुम पे, अगर दो प्यार करने वालों को मिलवाना सजा मौत है तो हमें मौत भी मंजूर है, मौत मंजूर है हमें। कर क्या रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है आपका? अमृत आप नहीं जानते इस आदमी के नाटक को, ये शुरू से बस शकी करते आ रहे हैं आप इस पर। अरे जो इंसान हमारी मदद कर रहा है आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ? मेरी वजह से वो उदयवीर जी और वश्मा की शादी करवा रहे हैं और आप? रणधीर हो क्या गया है आपको? वीर, रणधीर की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गलती इनकी नहीं, अगर हम भी इनके जगह होते तो शायद यही गलती कर बैठते। हर इस दुनिया में इतने बुरे लोग हैं, इतनी बुराई है कि कोई अगर अच्छाई करे तो यकीन होता ही नहीं है, भरोसा होता ही नहीं। तो तुम फिक्र मत करो, जरूर भरोसा होगा। जब तुम्हारी नजरों के सामने हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, जरूर भरोसा होगा। वीर मैं तेरी, रणधीर बस, आपको मेरी कसम है, आप चले जाइए यहां से। जाइए। उसकी नहीं,
हो सके तो माफ कर दो उसे। ये क्या कर रही हैं आप? झूठ मूठ की सही, लेकिन कुंवर वीर प्रताप सिंह की पत्नी है आप, और इसे किसी गैर मर्द का हाथ पकड़ना ना शोभा नहीं देता आपको। रणधीर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ बेशक दुनिया मुझे उनकी पत्नी मानती है, पर आप अच्छी तरह जानते हैं ना मेरा दिल मेरी आत्मा सब आपसे जुड़ी है। सच कहूं तो आज पहली बार ऐसा लगा नहीं, हम झूठ मूठ का नाटक करते करते आप सचमुच उस पति नाम के इंसान के काफी करीब आ गई हैं। इतने करीब आ गई हैं कि इस रणधीर नाम के इंसान पे आपको जरा सा भी भरोसा नहीं रह गया। आपने सब कुछ उस चश्मे से देखना शुरू कर दिया अमृत, जो उसने आपकी आंखों पे चढ़ा के रखा है। नहीं रणधीर आप उन्हें गलत समझ रहे। समझ गया अमृत, समझ गया है कि आपको समझाने का या आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं चलता हूं, क्योंकि यहां खड़े होके आपके मुंह से आपकी उनकी तारीफ सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है पापा, खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है। अगर बुराई में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकता है वो सिर्फ अमृत है। आप ही बताइए, इतनी अच्छी लड़की को हम अपनी जिंदगी से कैसे जाने थे, और वो भी उस रणधीर के साथ। पापा अमृत सिर्फ हमारी है और सिर्फ हमारे लिए बनी। मेरा क्या कह रहे हो, रणधीर उसकी जिंदगी में पहले आया था। आपकी शादी एक झूठ है ना, आपने उसके साथ फेरे लिए हैं, ना उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र आपने पहनाया है, और ना ही आपने उसकी मांग भरी है। फिर उसे अपनी पत्नी मानकर अपना हक ऐसे कैसे जता सकते हैं आप? अफसोस तो इस बात का है कि आपने बाकी सबके साथ साथ आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। आपके पापा से जो हमेशा हर हाल में आपके साथ खड़े हुए। पापा इस बार भी आप खड़े रहिए, जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। आप बैठिए बैठिए, हम जानते हमसे गलती हुई है। हाँ हम अमृत और रणधीर को एक दूसरे से अलग करना चाहते थे, क्योंकि हम अमृत को खुद के ले चाहते हैं। आप बताइए हम क्या करें, नहीं देख पाएंगे अमृत को किसी और का होते हुए, देखो और रणधीर का। आप अच्छी तरह जानते एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, और वो तलवार हम है पापा। हमारी छोड़िए, राजघराने के बारे में सोचिए पापा। राजघराने की इज्जत का क्या होगा? हमारे परिवार के बारे में सोची, रानी मां के बारे में सोची। अगर ये सच बाहर आ गया तो हमारे राजघराने की इज्जत चौराहे पे आ जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे हमारे। दिल की बात तो ये है कि पहली बार आपके अलावा हमारी जिंदगी में ऐसा कोई आया है जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमारे लिए हमारा ख्याल रखता है मामा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के आपसे वीर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इतना बड़ा सच मैं नलिनी जी से नहीं छुपा सकता, मुझे उन्हें यह बताना पड़ेगा। और रानी मां हमें हमारे मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने देगी। हाथ जोड़ते आपके पैर पड़ते पापा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए, और ये हमारा वादा है इसके बाद हम कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। रानी माँ को राज दिलाने के लिए आपने कई बार राजनीति खेली, हमें हमारा हक दिलाने के लिए एक बार खेली। उत्तरी दिल्ली में जो
चुनावों की गिनती के दूसरे दौर में अभी भी दोनों उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर बनी हुई है। श्रीमती नलिनी देवी अपने प्रतियोगी रमाकांत सूर्यवंशी से थोड़ा आगे चल रही है। इनके बाल ध्यान से देखिए, ठीक इसी तरह बाल बनाने और इसी तरह के कपड़े पहनने और शाम तक इस एड्रेस पे पहुंचना है, वक्त से पहले वहां पहुंच के इंतजार करना। और याद रहे, जैसा हमने कहा है ठीक वैसा ही होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अभी भी शक है आपको हम पे? पापा 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 पापा, आपने कहीं रानी माँ को सब कुछ बता तो नहीं दिया ना? अच्छा हमें ये बताइए कि आप बताएंगे या ना बता के हमारा साथ देंगे? बाबू भैया, सारा काम हो गया ना? हाँ सर। लेकिन आप एक काम करिए जी, एक बार जाके देख लीजिए, कुछ बचा हो तो। जी जी, शुक्रिया। सजावट तो बहुत अच्छी हुई है। और नहीं तो क्या, सब कुछ हमारे पीए साहब की देखरेख में जो हुआ है अच्छा ही होगा। लाइए। वाह, क्या खुशबू है इस मेहंदी की, जरूर अच्छा रंग चढ़ेगा। इसे जरा वहां रख दीजिए। अरे अमृत, तुम अपने भाई को मेहंदी लगाने नहीं गई? अब वो वीर ने कहा था कि सारी रस्में यहीं इसी महल में होंगी, तो उदय वीर जी भी आते ही होंगे। अच्छा, वैसे चाची जी आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सच? शुक्रिया। तुम भी। अब रानी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें नहीं पता वो मेहंदी की रस्म के लिए नहीं आने वाली है? दरअसल वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उनके इस राजमहल में दो बाहर के लोगों के लिए मेहंदी की रस्म की जा रही है। बेचारा वीर कुछ अच्छा करने के चक्कर में अपनी माँ से और दूर हो गया। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है वीर, आपने मेरी खुशी के लिए मेरे वीर जी और मेरी सहेली को मिलाने का फैसला किया और इसके लिए रानी माता की परवाह नहीं की, पर अब मुझे भी कुछ करना होगा। नलिनी देवी जी इस समय वोटों की गिनती में आगे चल रही हैं। रानी माँ, ये देखिए रानी माँ, अपने बेटे की करतूत देखिए आप, उनके गुस्से उनकी जिद का नतीजा देखिए। मतलब क्या है तुम्हारा, क्या है ये? वो कल आपने शादी के लिए मना कर दिया ना, तो वीर ये गोलियां आपके दूध में मिलाकर आपको पिलाने वाले थे। फिर पता नहीं क्या हाल होता आपका। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई और मैंने इन गोलियों को छुपा लिया, वरना क्या होता रानी माँ? आप देख रहे हैं ना अपने ही बेटे को, आपको ये दवाई देने वाले थे, कल को जाकर मुझे ही दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता रानी माँ कि वीर के मन में आपके लिए थोड़ा सा भी प्यार है। तो मैं क्या कहती हूँ, हम दोनों मिलकर ये गोलियां दूध में मिला के वो दूध वीर को पिला देते हैं, ताकि अब वैसे भी वो आपके बेटे कहलाने के लायक तो है ही नहीं ना। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे के बारे में ये सब कहने की? और ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? वीर हमारे बेटे हैं, उनके रगों में हमारा खून दौड़ता है, हम उन पे कितना भी गुस्सा हो कितना भी नाराज रहे, लेकिन वो अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती थी
आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, आपको उन पर बहुत विश्वास है, बस बाहर से कठोर बनने का नाटक करती हैं। जब इतना जानती है उन्हें, इतना प्यार करती है, तो ये दूरी क्यों बनाई रखी है आपने? रानी माँ, आप जितना उनसे प्यार करती है, जितना उन पर विश्वास करती है ना, उससे भी कहीं ज्यादा प्यार, कहीं ज्यादा इज्जत करते हैं वो आपकी। बस वो भी अपना प्यार इसी दूरी की वजह से नहीं दिखा पाते। तुम अपनी नौटंकी बंद करो। तुमसे किसने कहा माँ बेटे के बीच में पड़ने को? एक माँ का अपनी औलाद के साथ क्या रिश्ता होता है, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। रानी माँ, मेरी माँ को तो बंटवारे ने मुझसे छीन लिया, पर आप माँ बेटे के इस रिश्ते में मैं बंटवारा नहीं होने दूंगी। मेरी आपसे विनती है रानी माँ कि आप अपने बेटे के लिए हुए इस फैसले में शामिल हो और मेहंदी की रस्म में जरूर आए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप वीर की तरफ एक कदम बढ़ाएंगी तो वीर आपकी तरफ चार कदम जरूर बढ़ाएंगे। आइएगा जरूर। अब देरी किस बात की, मेहंदी शुरू करें। छोड़ो, मैं कर दूंगी, और तुम ना दूर रहो। दुल्हन को पहली मेहंदी तो उसके घर वाले लगाते हैं ना? लेकिन इनका घर वाला तो कोई है नहीं। जा बेटा, तेरी खुशी में हम सबकी खुशी है, और अब उदय के साथ जाना तेरा फर्ज भी है और तेरा हक भी। पश्मा, मैंने चिट्ठी लिखी थी पाकिस्तान, आपके अब्बू का जवाब आया जी, और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया है आपको। सच्ची? बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। इसके पेट में सिर्फ इसका नहीं, उदय पुत्र जी का बच्चा है। उदय पुत्र जी और वश्मा प्यार करते हैं एक दूसरे से। अपनी माँ और मेरी बहू को बचा। सुनो, अगर मैंनू कुछ हो गया ना तो मेरे पोते को बोल देना कि उसका उसका दादा उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद छोड़ गया। रणधीर, तुम क्यों मेहंदी लगा रहे हो? अगर भाई बहन को मेहंदी लगा भी रहा है तो इसमें गलत क्या है? हाँ परजाई जी,
ये सब खुशी कुछ पल की है रणधीर, जी लो अपनी खुशी के कुछ आखिरी पल, क्योंकि अब जो होगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.